टू माई चैनल. तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू बी क्रिएटिंग दिस गॉर्जियस फंक्शन मेकअप लुक यूजिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन कॉल्ड शॉपसी बाय फ्लिपकार्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ना वीडियोस में कमेंट करके पूछते हो कि दीप प्लीज हमारे साथ ना अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स शेयर करो, ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करो जो कि हर कोई परचेज कर पाए. सो मैं आपके साथ एक ऐसी एप्लीकेशन ही ले आई जो कि बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस में आपको बहुत अमेजिंग ऑफर्स प्रोवाइड करती है. ऑल्सो ऑफर्स प्रोवाइड करने के साथ साथ यू कैन इवन अर्न मार्जिन आउट ऑफ इट. लाइक आपकी कमाई भी हो रही है, आपकी शॉपिंग भी हो रही है एंड आपको बहुत अमेजिंग ऑफर्स भी मिल रही हैं एंड यू आर अर्निंग अप टू 30,000 रुपीज पर मंथ. येस गाइज, आप शॉपसी के ऊपर शॉपिंग करके इवन 30,000 रुपीज पर मंथ भी अर्न कर सकते हो विच इज सच अ ह्यूज अमाउंट. एंड द बेस्ट पार्ट, शॉपसी के ऊपर ना लिस्टिंग्स बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं है. एटलीस्ट 15 करोड़ प्रोडक्ट्स लिस्टेड है गाइज. येस, ब्यूटी, फैशन, स्किन केयर, मेकअप, बहुत सारी वैरायटीज़ है. सो आप इन सारी वैरायटीज़ में से अपने लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग सी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो एंड ऑर्डर करने के साथ साथ यू कैन इवन अर्न मार्जिन आउट ऑफ इट. एंड ऑल्सो गाइस, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. लाइक अगर हम लिपस्टिक की बात करें, लिपस्टिक 99 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है. आई मेकअप की बात करें तो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है. मेकअप, स्किन केयर, सब कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाता है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप जो कि मैंने शॉपसी एप्लीकेशन से ही परचेज किया है. तो सबसे पहले तो मैं अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूंगी जो कि मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है. ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, दे आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उनका शॉपसी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट. सो ऑफकोर्स सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन क्योंकि विंटर का सीजन है, स्किन हाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड ऑफकोर्स क्योंकि ये फंक्शन मेकअप है जो कि आपके फेस के ऊपर एटलीस्ट 7-8 आवर्स के लिए रहना है. तो ऑफकोर्स यू नीड दैट हाइड्रेशन. यू वॉन्ट कि जो भी मेकअप है वो आपकी स्किन को ड्राई आउट ना करे, जिससे कि आपके ड्राई पैच ना बन जाए. नेक्स्ट स्टेप, स्किन को और ज्यादा ग्लोई और ड्यूई दिखाने के लिए आई एम गोना अप्लाई दिस स्विस ब्यूटी पर्ल इल्यूमिनेटर. आई हैव बीन लविंग इट सो मच लेटली. माई शेड इज 02 सिल्वर पिंक. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी सा ग्लो देगा जो कि मेरी ड्रेस के साथ भी मैच कर रहा है. सो ऑफकोर्स आपका जो भी मेकअप होता है उसकी जो अंडरटोन्स होती हैं वो आपकी ड्रेस से अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तभी आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई और निखर के आएगा. सो आई एम गोना अप्लाई दिस हाइलाइटर नाउ. ये बहुत ही ज़्यादा ना सुंदर ग्लो प्रोवाइड करता है फेस में. सो मैं थोड़ा थोड़ा लेके अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ एंड ऑफकोर्स इसको आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही अप्लाई करना है, बहुत सारा नहीं करना. Okay, अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना कंसीलर एंड आई एम गोना यूज दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर इन द शेड 02 सैंड सेबल, माई फेवरेट शेड. और ये मैंने अभी अभी शॉपसी एप्लीकेशन से ही मंगवाया है. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट शॉपसी एप्लीकेशन कि आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे ना यू कैन अर्न 100 रुपीज. लाइक आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है एंड आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे एंड उस 100 रुपीज से यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन. आप कुछ भी परचेज कर सकते हो. जहाँ जहाँ पे एक्ने स्पॉट्स है वहाँ पे मैं ये शेड को अप्लाई कर लेती हूँ. सो यू कैन नोटिस कि ये जो शेड है मेरी स्किन टोन से ना डार्क है, थोड़ा सा लाइक 1 टोन डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है. ये मेरे फेस को कलर करेक्ट करेगा. So, यहाँ पे मैं एक अलग से कलर करेक्टर नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट एक डार्कर टोन का कंसीलर लेके उसी से ही कलर करेक्ट कर रही हूँ. नाउ अगर आपको जानना है दैट हाउ दिस ट्रिक वर्क्स, यू कैन वॉच माय मेकअप क्लास. आप मेरी मेकअप क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था. सो नाउ आई एम गोना टेक माय ब्यूटी ब्लेंडर. नाउ यू कैन ऑल्सो टेक अ ब्रश, अगर आपको ब्रश लेना है ब्रश ले सकते हो. आई वुड एनी डे प्रेफर अ ब्रश क्योंकि ब्रश आपको बहुत अच्छी कवरेज दे दिया है. बट द फैक्ट कि अभी मेरे सारे ब्रशेज ना वॉश नहीं है, मैंने अभी धोए नहीं है एंड ऑफकोर्स यू कैन नोटिस कि मेरी स्किन के ऊपर एक्ने प्रोन स्किन है मेरी, तो इसलिए मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं धुले हुए ब्रशेज ही फेस के ऊपर लगाऊँ ताकि मेरे एक्ने ना हो जाए. एंड नाउ यू नो द ट्रिक, टैप करो और ब्लेंड करो. स्वाइप नहीं करना आपको, अगर आप स्वाइप करोगे प्रोडक्ट वहां से हिल जाएगा, आपको कवरेज नहीं मिलेगी. ओके, नाउ आई एम गोना अप्लाई माय फाउंडेशन. उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 115. सो ये शेड मेरी स्किन टोन से परफेक्टली मैच करता है. टेक सम फाउंडेशन, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा आपको वार्म अप करना है ताकि वो थिन हो जाए और अच्छे से फेस पे स्प्रेड हो जाए. अगर वो गाढ़ा होगा, थिक होगा, फेस पे नहीं स्प्रेड होगा, जिससे कि आपके पैचेस बन जाते हैं. कई बार होता है ना कि स्किन में फाउंडेशन अच्छे से नेचुरली नहीं ब्लेंड होता है, पैचेस बन रहे हैं, उसका रीजन ये भी हो सकता है. ऑल्सो जस्ट लेट यू गाइज नो, शॉपसी के ऊपर यू कैन शॉप एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड अर्न ऑन एवरी परचेज. इसका मतलब है शॉपिंग भी, कमाई भी और बचत भी. ओके, फटाफट से मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी विद दिस मेबेलिन फिट मी कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड 15. शॉपसी के ऊपर मिल जाती है आपको वाइडेस्ट सिलेक्शन अक्रॉस 15 करोड़ प्रोडक्ट्स. इट हैज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ कैटेगरीज रेटेड बाय ओवर
1000 फ्लिपकार्ट कस्टमर्स। तो फेस हाईलाइट करने से आपके फेस के फीचर जो है वो बिल्कुल निखर के आते हैं एंड जो भी आपके हाईएस्ट पॉइंट होता है ना वो ब्रिंग आउट होके दिखता है, जिससे कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई लगता है, ल्यूमिनस लगता है और जगह जगह सा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि आप सोए हुए हो, ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से नींद पूरी करके आए हो। तो गाइज टोटली हाईलाइटिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है आपके मेकअप में। हम कई बार इस चीज़ को स्किप कर देते हैं जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाउ आई एम गोना सेट माय फेस विद दिस मेबेलिन फिट मी पाउडर, दिस इज इन द शेड 112। तो फाउंडेशन का शेड मेरा 115 था एंड ये वाला शेड है मेरा 112। तो दिस इज द शेड 112। इससे मैं अपने फेस को लाइटली डस्ट ऑफ कर दूंगी ना, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, मुझे बहुत ज्यादा पाउडर की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर अगर आप समर का मेकअप कर रहे हो देन यू नीड अ लूज पाउडर, क्योंकि लूज पाउडर आपके फेस के ऑयल को ज्यादा अच्छे से जूप कर लेते हैं रादर देन कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर जैसे आपको एक एडेड कवरेज देते हैं और आपके फेस को लाइटली सेट कर देते हैं। ओके गाइज नाउ आई मेकअप के लिए आई एम गोना यूज दिस SFR हेटेड विद लव आई शेडो पैलेट। बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैलेट है, जस्ट लुक एट द कलर लेआउट। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड इस शॉपसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे आई हुई थी। सबसे पहले मैं इस ब्राउन शेड से अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने आईब्रो पेंसिल तो नहीं ऑर्डर करी है। सो यू कैन डेफिनेटली यूज आई शेडो फॉर योर कॉन्टोरिंग, योर ब्लश, योर हाईलाइटर, इवन योर आईब्रोज। आई शेडो तो हम कर ही रहे हैं आई शेडो से, सो आई शेडोज आर सो वर्सेटाइल, आप आई शेडो से कुछ भी कर सकते हो। सो आज मैं आईब्रोज को फिल इन करूंगी। इस आई मेकअप के लिए मैं बहुत ही ईजी स्टेप्स रखूंगी एंड बहुत ज्यादा सुंदर लुक क्रिएट होकर आएगा जो कि कोई भी क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले आई एम गोना यूज दिस कलर इस टाइप के टोन से लेके ना आपको ट्रांजिशन में अप्लाई करना है, लाइक अपनी क्रीज एरिया के ऊपर। ऑलवेज मेक श्योर कि आई शेडो को पिक करने के बाद इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल दो ताकि वो आपके फेस के ऊपर ना गिरे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बेस मेकअप हो चुका है तो आई डोंट वांट कि वो खराब हो जाए। सबसे पहले मैं उस कलर को अपनी क्रीज से ऊपर अप्लाई करूंगी एज अ ट्रांजिशन कलर। नाउ मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम गोना पिक दिस पिंक कलर। अगर आपके कलर की पिगमेंटेशन या फिर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा डार्क नहीं आती है सो आप अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, वेट करने के लिए पानी भी ले सकते हो, इवन सेटिंग स्प्रे भी ले सकते हो। और इस कलर को मैं अपनी ऑल ओवर आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी। ओके सो नाउ आई एम गोना अप्लाई माय फेवरेट थिंग व्हिच इज ग्लिटर। सो मैं ये पिंक कलर की ग्लिटर सेम फ्लैट ब्रश के ऊपर ही लूंगी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ग्लिटर्स आर कि आपको इसमें ग्लिटर ग्लू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट पिक करो एंड अप्लाई कर लो, ये अपने आप स्टिक हो जाएंगी। सो गाइस यू कैन सी मैंने ग्लिटर को ना हाफ आईलिड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई किया है एंड नाउ इस आउटर एरिया के ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क कलर डिपॉजिट करूंगी। उससे क्या होगा, मेरी आईज गहरी लगेंगी। नॉट डार्क कलर के लिए आप कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग शेड भी यूज कर सकते हो या फिर सिमिलर टोन्स भी यूज कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स कि आपको किस टाइप का लुक चाहिए। सो उसके लिए आई एम गोना यूज दिस बेरी कलर, सो ये थोड़ा सा मेरी ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा एंड आई मेकअप के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। टैप डैप करके पहले कलर को डिपॉजिट कर लो, देन जो भी एजेस हैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि सब कुछ अच्छे से सीमलेस लगे। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा बिल्कुल पॉइंटेड सा ब्रश ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइनी और प्रिसाइज है। इसकी हेल्प से मैं ये वाला कलर को पिक करूंगी, दिस इज लाइक अ बेरी कलर बट थोड़ा सा इसमें प्लम कलर की अंडरटोन्स भी है। नाउ इस कलर को लेके मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगी। मैं लोअर लैश लाइन के ऊपर काजल नहीं अप्लाई करती हूँ, आपको पता ही होगा, बट अगर आपको करना है आप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा से डार्क कलर की हेल्प से ना उसको स्मोकअप जरूर कर लेती हूँ। और सेम पर्पल कलर को मैं एज अ आई लाइनर भी अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा थिक लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बिल्कुल लाइटली एक आई लाइनर का लुक दे रही हूँ। सो ना ये फ्रॉस्टी व्हाइट कलर की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी। सो इनर कॉर्नर्स हाईलाइट करने से आपका मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई सा लगता है एंड बहुत प्यारा इफेक्ट देता है। ओके नाउ आई लुक को फिनिश ऑफ करते हैं विद अ मस्कारा। मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। सो नाउ फॉल्स आई लैशेज इज योर चॉइस, अगर आपको अप्लाई करनी है आप कर सकते हो, अगर आपको स्किप करना है आप डेफिनेटली स्किप भी कर सकते हो एंड जस्ट मस्कारा अप्लाई करके फिनिश ऑफ कर सकते हो। मैं तो डेफिनेटली अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे फॉल्स आई लैशेज का लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो आई एम गोना अप्लाई देम कंप्लीट दिस आई एंड आई विल बी राइट बैक। ओके सो नाउ आई एम गोना टेक दिस स्विस ब्यूटी का शिमर ब्रिक पैलेट। तो ये हाईलाइटर भी है, इसके अंदर ब्लशर भी है, यू कैन ऑल्सो स्वर्ल योर ब्रश अराउंड इट। सो आई एम जस्ट गोना स्वर्ल माई ब्रश अराउंड इट और ये बहुत ही सुंदर ब्लश और हाईलाइटर दोनों का ही काम करेगा। एंड नाउ फॉर हाईलाइटर मैं ये ऊपर की दो स्ट्रिप्स की हेल्प से अपने फेस को हाईलाइट करूंगी। ओके गाइस नाउ लिपस्टिक के लिए आई एम गोना अप्लाई दिस लैक्मे फॉरएवर मैट लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड न्यू ड्रीम। बहुत ही ज्यादा सुंदर सा कलर है एंड इट विल मैच माय ड्रेस एज वेल।
ओके गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक. आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. ऑल्सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट शॉपसी एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय. तो गाइज, शॉपसी के ऊपर आपको मिल जाती है शॉपिंग भी, अर्निंग भी एंड बचत भी. सो डाउनलोड दी शॉपसी ऐप बाय फ्लिपकार्ट राइट नाउ.